ग्राम पंचायत दयाल के प्रधान को सोशल ऑडिट में मनरेगा शीर्ष वर्ष 2022-23 के तहत किए गए कार्यों में अनियमितता के चलते दोषी पाया गया है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी प्रयागपुर वीरेंद्र कौशल द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान दयाल को नोटिस जारी कर 4,79,842 रुपए की रिकवरी हिमाचल प्रदेश वॉइस चेयरमैन रूरल विभाग सोसाइटी शिमला हिमाचल प्रदेश के खाते में जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह गड़बड़ी सोशल ऑडिट के दौरान सामने आई है। वीडियो प्रयागपुर वीरेंद्र कौशल कार्यकाल में पहली बार इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, जिससे जनता में काफी सराहना की जा रही है। नागपुर के तहत एक पंचायत का जिसमें रिकवरी पड़ी है, जानकारी दें सर, कौन सी पंचायत और कितना अमाउंट है? अच्छा, ये सही है कि हमारा जो सामाजिक अकेक्षण ऑडिट हुआ था वर्ष 22-23 के अनुसार, तो जो दयाल पंचायत थी इसमें अनियमितता पाई गई थी सामाजिक ऑडिट के द्वारा। तो इनका जो हमारा जो जो इनको हमने नोटिस भेजा आज, तो एक ही 4,99,842 रुपये इनको पैसे पड़े हैं। तो इनको टाइम भी दिए थे एक हफ्ते के अंदर जो अपना पैसा जो है इनका जो हमारा हैप्पी रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी सोसाइटी शिमला अकाउंट के अंतर्गत अकाउंट नंबर भी इसमें शो हो रहा है, एक हफ्ते के भीतर जमा करवा दे। तो इनका तो वैसे जो काम है वो नियमानुसार नहीं हुए हैं, तो ये सही है कि इनको ये जो रिकवरी पड़ी गई है ये रिकवरी इनको देना ही पड़ेगी। अच्छा सर, किसको पड़ी रिकवरी जी? ये जिन्होंने काम कराई है। कौन? जो पंचायत है ना, जो जैसे नोटिस किसके नाम पर इशू हुआ? प्रधान के नाम पर गई है ना, तो अंडरस्टूड है कि जो जिन्होंने काम कराया उसको रिकवरी पड़ेगी, जो लेटर लिखा है ना उसके मुताबिक। ठीक है जी।